देखिए, कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश राज्य के विद्यार्थी, अंग्रेजी विषय का आप लोग का पेपर है, तो आप लोग को जो ग्रामर आएगी, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामर जो प्रश्न बैंक में दी गई है, डुअर्स डायरेक्टेड जो पेपर में हर वर्ष पूछे जाते हैं, वो यहाँ पर मैं आप लोग को समझा देता हूँ। थोड़ा पीछे समझेंगे इसको, पीछे साइड से, ठीक है, है ना, पीछे से अपन समझ लेते हैं। तो 25वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर क्या बोल रहा है, 25वां प्रश्न बोल रहा है ही TAUGHT टोट इंग्लिश ENGLISH इंग्लिश, भे इंग्लिश को पढ़ाता है, भे क्या करता है, भे इंग्लिश पढ़ाता है। इसको आपको कायम में चेंज करना है, इसको आपको यहाँ पर चेंज करने के लिए बोला है प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट इनडेफिनिट प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में चेंज करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। ही टॉट इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ाता था, है ना, ठीक है। इसको प्रेजेंट यानी सिंपल, इनडेफिनिट का मतलब होता है इनडेफिनिट टेंस में चेंज करना है। तो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का नियम क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, प्लस क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ये नियम होता है। किसका नियम होता है, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का, ये क्या होता है, नियम होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ही है। यहाँ पर वर्ब क्या है, टीच है, टीच का सेकंड फॉर्म टॉट लिखा है वो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जाएगा टीच, TEACH टीच, है ना, आगे टीच, यहाँ पर क्या जाएगा, टीच। और अगर ही सी इट नेम होता है, अगर ही है, शी है, इट या फिर नेम है, ही सी इट नेम लिखा होता है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है, ठीक है। अगर ही सी इट नेम होता है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, एस या ईएस लगता है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, ईएस लग जाएगा। और इंग्लिश का यहाँ पर हो जाएगा इंग्लिश, ENGLISH यहाँ पर जाएगा, ही टीचेस इंग्लिश, क्या जाएगा, ही टीचेस इंग्लिश आ जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा यहाँ पर, ही टीचेस इंग्लिश आ जाएगा, बन जाएगा ये, उतारते चल जाओ उसको, है ना, और ऐसा लिखो कि लिखते लिखते याद हो जाए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखो 24वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर क्या बोल रहा है, हिंदी HINDI हिंदी इज नॉट सो डिफिकल्ट DIFFICULT डिफिकल्ट अस इंग्लिश LISH इंग्लिश, है ना। इसको काय में चेंज करना है, कॉम्पेरेटिव डिग्री में चेंज करना है, काय में चेंज करना है, कॉम्पेरेटिव डिग्री, ठीक है। हिंदी इज नॉट डिफिकल्ट अस इंग्लिश, हिंदी जो है वो अंग्रेजी की तरह कठिन नहीं है, इसको आपको कॉम्पेरेटिव डिग्री में चेंज करना है। कॉम्पेरेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है 24वें क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्न बैंक से कर रहा है, प्रश्न बैंक का क्वेश्चन नंबर 6 डुअर्स डायरेक्टेड, प्रश्न बैंक की जो ग्रामर है उसका 24वां क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, कॉम्पेरेटिव डिग्री DEGRE कॉम्पेरेटिव डिग्री में चेंज करना है, मतलब दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है। तो कंपेयर कैसे करोगे, तो इसका आंसर जाएगा आपका हिंदी HINDI हिंदी इज ईजियर EASIER ईजियर देन TEN देन इंग्लिश ENGLISH यही आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। हिंदी इज ईजियर देन इंग्लिश, हिंदी जो है वो अंग्रेजी की तुलना में कैसी है, ईजियर है, मतलब कि थोड़ी आसान पड़ जाती, क्या पड़ जाती है, आसान पड़ जाती है। तुम रिगार्ड में क्या लिखा है, यहाँ पर देन लिखा है क्या, दस थस लिखा है, देन लिखा है THEN देन इंग्लिश, है ना। हिंदी जो होती है वो अंग्रेजी की तुलना में कैसी होती है, आसान होती है, जिसका आंसर लिख लेना, ठीक है। ये हो गया कॉम्पेरेटिव, दोनों का हम कंपेयर कर रहे हैं, किस किस का, इंग्लिश का और हिंदी का, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे है। अब 23वां प्रश्न यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो दे TEY दे प्ले PLAYED दे प्लेड विल दे कुड नॉट COULD कुड नॉट विन द मैच MATCH मैच। इसको काय में चेंज करना है, यूज कंबाइन करना है सेंटेंस को थ्रोट का इस्तेमाल करके, है ना, कंबाइन करना है COMBIN कंबाइन करना है, किसका इस्तेमाल करके, TOUGH
थॉट का इस्तेमाल करके दो सेंटेंस को कंबाइन करना, मतलब जोड़ना है। पहला सेंटेंस है दे पास्ट विल, दे पास्ट विल होगा पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस यहाँ पर लिखा है दे कुड नॉट विन द मैच। दोनों सेंटेंस को, पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस, दोनों वाक्यों को थॉट का इस्तेमाल करके जोड़ना है। किसका इस्तेमाल करके? थॉट का इस्तेमाल करके, है ना। तो जोड़ो कैसे? थॉट दे प्लेड वेल, दे कुड नॉट विन द मैच। देखो जोड़ना बहुत आसान होता है, कुछ नहीं करना है। इसका आंसर लिखोगे ना, जो थ्रोट लिखा है इसको सामने लगा देना, थ्रोट टी एच ओ यू जी एच टी लगा दी सामने। फिर यहाँ पर यहाँ का जो दे लिखेगा तो स्मॉल लिखना, टी एच ई वाई दे, है ना, लिख दिए। और जहाँ का फुल स्टॉप हटा के कोमा लगा देना, क्या लगा देना? कोमा। ये जुड़ गया तुम्हारा, ठीक है। जोड़ोगे कैसे? सेंटेंस के सामने थ्रोट लगा दिए और दोनों वाक्यों के बीच में क्या लगा दिए? कोमा लगा दिए और जैसा का वैसा लिख दिए। यही क्या बन गया? आंसर बन गया। क्या बन गया? आंसर बन गया। बन गया आंसर? बनेगी नहीं बना? बन गया आंसर? समझ में आ रहा है कैसे बना? ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखो क्या है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न बैंक में निकालो सब लोग, प्रश्न बैंक में निकालो क्वेश्चन नंबर 22। निकालो क्वेश्चन नंबर 22। निकाल लिए सबने? निकाल लिए। क्वेश्चन 22 के बोल रहा है ही इज रिच, उंगली रख के करो, बिल्कुल उंगली रख के, ठीक है। ही इज रिच, ही यानी वह, इज यानी है, रिच यानी अमीर है। ही इज नॉट हैप्पी, लेकिन वो हैप्पी है क्या? नहीं है। इसको क्या करना है? कंबाइन द सेंटेंस, दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना है। उंगली रख के करो बिल्कुल, ना, दोनों सेंटेंस को क्या करना है? कंबाइन यूजिंग एट, येट का इस्तेमाल करके दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना है, ठीक है। किसका इस्तेमाल करके? येट का इस्तेमाल करके, 22वां। तो इसका आंसर देखो कैसे करोगे यहाँ पर आप, ही इज रिच, फिर उन्होंने कोमा लगाया, येट ही इज अनहैप्पी। क्या लिख दिया यहाँ पर? ही इज अनहैप्पी। समझ में आया? कुछ नहीं करा उसने। देखो शुरू वाला ही इज रिच जैसे का वैसा कर दिया, फुल स्टॉप पढ़ा के क्या लगा दिया वहाँ पर उसने? येट लगा दिया, वाई टी येट लगा दिया। और ही इज नॉट हैप्पी मतलब अनहैप्पी कर दिया, नॉट हैप्पी मतलब क्या कर दिया? अनहैप्पी कर दिया। याद कर लोगे बिल्कुल? क्या लिखोगे? मैं बोल के दिखाऊँ, ही इज रिच रिच कोमा येट ही इज अनहैप्पी। ही इज क्या लिख दोगे? अनहैप्पी बन जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखो क्या है, यहीं पर याद हो जाना चाहिए, ठीक है। 21वें नंबर का, ठीक है, 21वें नंबर का यहाँ पर क्या बोल रहा है देखो, यहीं पर याद होना चाहिए। इफ सी डज नॉट कम ऑन टाइम, इफ यानी यदि, शी यानी वह, डज नॉट कम ऑन टाइम, यदि वह समय पर नहीं आती है, द टीचर विल पनिश हर, तो टीचर जो होगा उसको क्या करेगा? पनिश करेगा, करेगा। इसमें क्या करने के लिए बोल रहा है डूस डायरेक्टेड में? देखो क्या बोल रहा है, रिराइड यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, इफ के स्थान पर अनलेस लगाना है। किसके स्थान पर? इफ के स्थान पर क्या लगाना है? अनलेस लगाना है। तो क्या करोगे देखो, पहली लाइन क्या लिखी थी पढ़ो, जम से पढ़ो, इफ सी डज नॉट कम ऑन टाइम, तो इफ को अपन ने हटा दिए और वहां पर आंसर में देखो क्या लगा दिया अपन ने? अनलेस लगा दिए, अनलेस सी कम्स ऑन टाइम, ठीक है, अनलेस सी कम्स ऑन टाइम। एक बात तो यहां पर गौर करने वाली देखना, तुम्हारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में यहां पर क्या लिखा है? इफ शी डज नॉट कम ऑन टाइम लिखा है। यदि मैं इफ को हटा करके अनलेस लगाता हूं, क्या लगाता हूं? अनलेस में अन लगा है, अन ऑलरेडी नोट वाला वाक्य है। तो अगर इफ को हटा के जब अनलेस लगाएंगे तो जो शुरू वाला जो सेंटेंस है उसमें जितने भी नोट वगैरह लगे हैं सारे के सारा हट जाएगा, ठीक है। तो अनलेस शी कम ऑन टाइम, तो डज नॉट भी हटेगा, क्या हटेगा? समझ में आ रहा है? डज नॉट भी यहां से क्या हो गया? If भी हटेगा, does not भी हटेगा, और if के स्थान पे क्या लगाओगे? Unless see come on time लगा दिए। इसके बाद यहां पर क्या लिखोगे? क्या लिखोगे इसके बाद यहां पर? The teacher will punish her। ये जैसे का बेसा, द टीचर विल पनिश हर क्या जाएगा? जैसे का बेसा। डज नॉट क्यों हटाया अपन ने? क्योंकि अनलेस जो होता है उसमें अन लगा है ना, ऑलरेडी वहां पर नोट का बोध करवा रहा है, तो दोबारा नोट थोड़ी लगाएंगे अपन। तो इफ को हटा के अपन ने क्या लगा दिए? अनलेस लगा दिए, और डज नॉट को भी अपन ने हटा दिए, है ना, डज नॉट को भी कर दिए, हटा दिए। अगला प्रश्न देखो यहां पर 20वें नंबर का, अनलेस इट रेन्स, यदि वर्षा नहीं होती है, वी शाल गो टू स्कूल, तो हम कहां जाएंगे? स्कूल जाएंगे। यहां पर बोल रहा है इफ के स्थान, अनलेस के स्थान पर इफ का इस्तेमाल करो। तो जब अनलेस को हटाओगे, समझ ना, यहां पर देखो कैसे करोगे। अनलेस हटेगा, क्वेश्चन नंबर मिला ली 20वें नंबर का, सबको मिल गया, इधर मिल गया। अनलेस को हटाओ, कापी में लिखो, अनलेस को हटाओ, वहां पर इफ लगाओ।
अनलेस को उठा के वहां पर क्या लगाओगे, इफ लगा दिए, लिखो इफ, इफ लिख लिए, इफ के बाद क्या लगाओगे, इट लगाओ, इफ इट, इफ इट लगा ली इट, फिर रेंस में एस लगा है, रेन में लास्ट में एस लगा है, तो एस ए लगा है तो वहां से डज बाहर निकलेगा, इफ इट डज क्या बाहर निकलेगा, डज बाहर निकलेगा, क्या बाहर निकलेगा, अगर डस तुम बाहर नहीं भी निकाल रहे हो तो सीधा भी लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, अनलेस को हटा दिए, अनलेस के स्थान पे क्या लगा दोगे, इफ, इफ इट रेन्स, सिंपल लिख दो, क्या लिख दोगे, इफ इट रेन्स, वी शाल, शाल के बाद लगा देना नोट, क्या लगा देना नोट, वी शाल नोट गो टू स्कूल, क्या लगा दोगे, वी शाल नोट गो टू स्कूल, इफ इट रेन्स वी शाल नोट गो टू स्कूल लगा दो, ठीक है, कैसे लगाओगे, देखो क्वेश्चन ठंडे दिमाग समझो, फिर समझो, क्वेश्चन बोल रहा है अनलेस इट रेन्स, और अनलेस को हटा के इफ लगाना है, तो अनलेस को अपन हटाएंगे आंसर में, क्या लगा देंगे, इफ, इफ इट रेन्स वी शाल नोट गो टू स्कूल, ठीक है, सेकंड वाला वाक्य नकारात्मक बन जाएगा, समझ में आ गया, नहीं आया, आ गया, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहां पर क्या लिखा है, बारीकी समझना, धीरे ना, जो समझ में आएगा फिर से पूछ लेगा ना, पेपर में आएंगे जे, टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, यहां पर टू टू के स्थान पर आपको शो और डेट का उपयोग करना है, ठीक है, 19वां नंबर का, देखो मिला क्वेश्चन, मिला कि नहीं मिला, मिल गया, टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, कुछ नहीं करना है, जो टी डबल ओ वाला टू है वो बड़े वाले टू को हटाना है और वहां पर क्या लगाना है, सो लगाना है, टी इज सो हॉट, क्या लगाओगे, टी इज सो होट लगा दोगे, बड़ा वाला टू को हटा के लगा दोगे वहां पर, सो लगा दोगे, क्या लगा दोगे, सो लगा दोगे, क्या लगा दोगे, सो लगा दोगे, लगा दोगे, इसके बाद लगा दोगे सो, क्या लिखोगे, टी इज सो होट लगा दिए, फिर होट के बाद यहां पर डेट भी जोड़ना है ना, फिर होट के बाद क्या लगाओगे, डेट, आई कैन नॉट ड्रिंक, आई कैन नॉट ड्रिंक, छोटे वाले टू को हटा के क्या लगाओगे, सुनो, जब कभी भी टू टू लिखा रहेगा और सो डेट लगाने के लिए बोलेगा तो बड़ा वाला टू, टी डबल ओ टू को हटा के क्या लगाओगे, सो लगाओगे, और छोटे वाले टू को हटा के लगाओगे, डेट आई कैन नॉट, क्या लगाओगे, डेट आई कैन नॉट, बाकी पूरा बाकी जैसे का वैसा, समझ में आया कि नहीं आया, क्वेश्चन लिखा है यहां पर टी इज टू हॉट लिखा है, तो शुरू में जो टी डबल ओ टू लिखा है उसको हटा के क्या लगाओगे, सो लगा दोगे, क्या लगा दोगे, सो, और छोटे वाले टू को हटा क्या लगाओगे, डेट आई कांट, क्या लगाओगे, डेट आई कांट ड्रिंक, बाकी पूरे जैसे का वैसा, समझ में आया, क्या करेंगे बताओ, कौन बताएगा, बड़े वाले टू को हटा के लगाओगे सो, और छोटे टू को हटा के डेट आई कांट, ठीक है, बन जाएगा जी, अगला प्रश्न देखो यहां पर क्या है, अनीता रीड द रामायण एवरी डे, अनीता जो है वो रोज रामायण पढ़ती है, इसका कैसे बनाओगे नकारात्मक, अनीता क्या लगाओगे यहां पर, डू रीड से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म निकलेगा ना, डू नॉट रीड, नेगेटिव का मतलब नोट वाले वाक्य बनाना है, नकारात्मक वाक्य है ना, अनीता डू नॉट रीड द रामायण एवरी डे, क्या लिखोगे, अनीता डू नॉट रीड द रामायण एवरी डे, बनेगा नहीं बनेगा, कैसे लिखोगे, अनीता डू नॉट रीड द रामायण एवरी डे, क्यों बन जाएगा, आ? दिखाओ, अनीता, हाँ डिड नोट कर लेना उसको ना, रीड का फर्स्ट फॉर्म भी रीड होता है, सेकेंड भी रीड होता है, थर्ड भी क्या होता है, रीड होता है, ठीक है, जो अगर वहां पर सेकेंड फॉर्म मान के चलेंगे तो सेकेंड फॉर्म से क्या बाहर निकलेगा, डिड बाहर निकलेगा, अनीता डिड नोट रीड रामायण एवरी डे, अनीता जो है वो रोज रामायण नहीं पढ़ रही है, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, सी लिव्ड इन शिवपुरी, इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है प्रश्नवाचक चिन्ह में, कैसे करोगे, सी लिव्ड, लिव्ड से कौन सा फॉर्म बाहर निकलेगा, बर्व का कौन सा निकलेगा, सेकंड फॉर्म निकलेगा, क्या बाहर निकलेगा, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या होता है, डिड होता है, क्या होता है, डिड, और जब कभी भी इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते हो तो वो कहां जाएगा, सामने जाएगा, तो डिड सी लिव इन शिवपुरी, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना, ठीक है,
प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूरी रहेगा। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाओगे तो नंबर नहीं मिलने वाले। क्या लिखोगे? डिड शी लिव इन शिवपुरी, और लास्ट में क्या लगा दोगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा क्यों? अगला, ही हैज टेकन टी, इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। यहां पर हेल्पिंग वर्ब हैज है, हेल्पिंग वर्ब क्या है? सब लोग मिलाओ 16 नंबर का, ही हैज टेकन टी, मिला लिए। यहां पर हेल्पिंग वर्ब हैज है, हैज को सामने लेकर के जाना है, तो हैज ही टेकन टी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जाइए, हैज कहां जाएगा? शुरू में हैज ही टेकन टी, क्या जाएगा? हैज ही टेकन टी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मिलाओ, देखो बोलिए क्या, हैज ही टेकन टी, लास्ट में क्या लगाया? क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। अगला, शी शट द डोर, इसको निगेटिव में चेंज करना है। शी शट द डोर, उसने दरवाजा बंद कर दिया, तो शट यहां पर क्या है? वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है, तो यहां पर सेकेंड फॉर्म से क्या बाहर निकलता है? डिड बाहर निकलता है, तो शी डिड नॉट शट द डोर। क्या लिखोगे? शी डिड नॉट शट द डोर, बन जाएगा ये। क्या लिखोगे यहां पर? शी डिड नॉट शट द डोर, शट से क्या बाहर निकलेगा? डिड बाहर निकलेगा, क्या बाहर निकलेगा? डिड, है ना, तो शी डिड नॉट शट द डोर, बन जाएगा ये। अगला, दिल्ली इज लार्जर देन भोपाल, दिल्ली जो होती है वो भोपाल से कैसी है? बड़ी है। इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, कैसे करोगे? 14वें नंबर का चेंज कैसे करोगे? तो यहां पर ऐसे लिख दोगे, दिल्ली इज लार्जर देन भोपाल, दिल्ली जो है वो भोपाल की तुलना में कैसी है? लार्जर है। दिल्ली इज लार्जर देन भोपाल, बन जाएगा। लिखते बनेगा नहीं बनेगा? जी हो गई पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, बाकी याद भी करते जाना। अगला देखो, इन द पार्क वी आर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल, तो चिल्ड्रन वी आर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, ऐसा बनेगा ये, ठीक है। पहले सब्जेक्ट आएगा ना, जाइए देखो, मिलाओ आंसर में। चिल्ड्रन वी आर प्लेइंग, जाइए, चिल्ड्रन वी आर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, बन जाएगा, ठीक है। चिल्ड्रन वी आर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, ऐसे लिखोगे, चिल्ड्रन वी आर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, ठीक है, चिल्ड्रन वी आर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर देखो, चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयस, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयस, चिल्ड्रन जो है वो खिलौने बना रहे हैं, पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करोगे? टॉयस शुरू में क्या आएगा यहाँ पर? टॉयस, क्या लिखोगे? टॉयस, द टॉयस आर बीइंग मेड बाय द बॉयस, क्या लिखोगे? द टॉयस आर बीइंग मेड बाय द बॉयस, ठीक है, क्या लिख दोगे यहाँ पर? द टॉयस आर बीइंग मेड बाय द बॉयस। ये बॉयस के नियम होते हैं, तुमको पूरा पूरा बॉयस पढ़ाऊंगा ना मैं, एक महीना लग जाएगा बॉयस पढ़ाने में, तुम याद कर लो इसको, ठीक है, ऐसा रहता, ठीक है, समझ में आ रहा है। 11 नंबर का प्रश्न, ही टीच हिंदी, वह हिंदी पढ़ाता है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। हिंदी इज टॉट बाय हर, ऐसे ही कुछ बनेगा इसका, हिंदी इज टॉट टू अस बाय हिम, हिंदी है, देखो गाइड में गलत लग रहा है, फिर क्या है? हाँ हाँ जी, लिख देना, हिंदी इज टॉट टू अस बाय हिम, ठीक है, हिंदी इज टोट टू अस बाय हिम, बन जाएगा ये वाला बन जाएगा कि नहीं बनेगा? देखो इस प्रकार से तुम क्या करो, पूरी जितनी भी ग्रामर दी है यहाँ पर, पूरी पूरी ग्रामर क्या कर लो, याद कर लो, क्या कर लो?